सभी आर्मी लवर भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। आपको पता होगा कि आर्मी में रनिंग सबसे फास्ट पार्ट होता है, जिसे हमें 5 मिनट में पूरा करना पड़ता है। आप 1600 मीटर तभी 5 मिनट में दौड़ सकते हैं जब आपके अंदर स्टेमिना हो, क्योंकि लंबी दौड़ के लिए स्टेमिना बहुत जरूरी है। तो हम आपको स्टेमिना बढ़ाने के लिए 10 बेस्ट से बेस्ट टिप्स बताएंगे। टिप्स नंबर 1 है, पैरों को मजबूत बनाएं। दौड़ने में पैरों का अहम रोल होता है। अगर आपके पैरों में पावर नहीं होगा तो आप जल्दी थक जाएंगे, आप लंबे समय तक नहीं दौड़ पाएंगे, इसलिए पैरों को मजबूत होना बहुत जरूरी है। पैरों में पावर आए इसके लिए आपको मांसपेशियों की मजबूती के लिए बॉडी वेट एक्सरसाइज करना चाहिए, जैसे लंग स्टेप हो गया और स्क्वाट हो गया। एक्सरसाइज करने से आपके पैरों में पावर आएगी। और पैरों में स्थिरता लाने के लिए आप साइड फ्लैंक्स और प्लैंक्स का भी अभ्यास कर सकते हैं। टिप्स नंबर 2 है, रनिंग करते समय सही पोस्चर। रनिंग स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप दौड़ते समय शरीर को किस पोजीशन में रखते हैं। कुछ लोग आगे की तरफ ज्यादा झुककर रनिंग करते हैं, जिससे आपके शरीर पर ज्यादा दबाव पड़ता है, तो इससे आपके शरीर में इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए दौड़ते समय शरीर को ऊपरी हिस्से को रिलैक्स रखें। आप थोड़ा सा झुक सकते हैं और चेस्ट को सीधा रखने का प्रयास करें, जिससे आपके फेफड़े एक्सपेक्ट कर सकें। और दौड़ते समय हाथों की मुट्ठी को ढीला रखें। और एक बात और, दौड़ते समय आपकी एड़ी आपके पंजों से पहले जमीन को छूना चाहिए। टिप्स नंबर 3 है, रनिंग करने से पहले वार्म अप करना ना भूलें। बात स्टेमिना की हो या फास्ट रनिंग की, सबसे पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। आप हार्ड इंटेंसिटी वर्कआउट या दौड़ने से पहले आप वार्म अप करना ना भूलें। वार्म अप करने से आपका शरीर दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये एक्सरसाइज करना है जो आप कम समय में और आसानी से कर सकते हैं, जैसे स्पोर्ट जोगिंग हो गया और जंपिंग जैक्स हो गया, साइड बेंड्स हो गए, एंकल नेक्स रोटेशन। ये एक्सरसाइज करने से आपके शरीर में खिंचाव नहीं होता है और शरीर का तापमान बढ़ता है, और साथ ही लचीलापन और रक्त का संचार भी बढ़ता है, जिससे दौड़ने में आसानी होती है। टिप्स नंबर 4 है, धीमी शुरुआत करें। ये टिप्स उनके लिए है जिन्होंने अभी दौड़ना शुरू किया है। पहले दिन आपको ये जानना जरूरी है कि आप कितनी देर तक दौड़ सकते हैं, इसलिए स्टार्टिंग में लंबी दौड़ लगाने के लिए शरीर पर ज़्यादा दबाव ना डालें। उतना दौड़ें जितना आप आसानी से दौड़ सकें, और धीमी शुरुआत करें। हफ्ते में आप 1 मील से अधिक दौड़ने की कोशिश करें, इससे आपके शरीर को ढलने का अवसर मिलेगा और आपकी स्टेमिना समय के साथ बढ़ती चली जाएगी। टिप्स नंबर 5 है, धीरे धीरे माइलेज बढ़ाएं। शुरुआती में आपको अपनी माइलेज पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। यह माइलेज गाड़ी के माइलेज से थोड़ा अलग होता है। आप हर हफ्ते कितने दिन दौड़ते हैं, कितनी बार दौड़ते हैं और आप कितनी दूरी तक दौड़ते हैं, इसे ही आपकी वीकली माइलेज कहा जाता है। आपको धीरे धीरे अपनी वीकली माइलेज को बढ़ाना चाहिए, जिससे आपका स्टेमिना बढ़ता है और आप बिना थके लंबी दूरी तय कर पाते हैं। टिप्स नंबर 6 है, क्रॉस ट्रेनिंग। एक अच्छा धावक बनने के लिए दौड़ लगाना पर्याप्त नहीं होता है। हफ्तों तक सिर्फ दौड़ का अभ्यास करने से आपके शरीर और पैरों पर काफ़ी जोर पड़ता है, क्योंकि आपके स्टेमिना पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए साथ में कुछ ट्रेनिंग और कुछ एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। क्रॉस ट्रेनिंग करने से रनिंग स्टेमिना बरकरार रहता है और इससे आपके शरीर के किसी एक अंग पर अत्यधिक जोर नहीं पड़ता। और क्रॉस ट्रेनिंग करने के अंतर्गत साइकिल चलाना, तैराकी करना या रस्सी कूदना जैसे अन्य कार्डियोवैस्कुलर अभ्यास किए। प्रत्येक धावक को हफ्ते में 1 या 2 बार क्रॉस ट्रेनिंग का अभ्यास करना चाहिए, जिससे उनके स्टेमिना में सुधार लाया जा सके। टिप्स नंबर 7 है, लॉन्ग रनिंग टारगेट। स्टेमिना में सुधार के लिए लॉन्ग रनिंग करें। या तो अपने लंबे समय को 5 से 10 मिनट बढ़ा लें, या हर बार आप 800 से 1600 मीटर भी जोड़ते जाएं, और धीमी गति में दौड़ना शुरू करें, और इसे जल्दी से पूरा करने की बजाय लंबी दूरी तय करें। फास्ट स्पीड में रनिंग करना आपके स्टेमिना को शुरू में ही खत्म कर देते हैं, इसलिए लंबे समय को धीमी और स्थायी गति से समाप्त करना सुनिश्चित करें और दूरी को कवर करने पर ध्यान केंद्रित करें। टिप्स नंबर 8, रनिंग स्टेमिना बढ़ाने के तरीके में सबसे जरूरी है खुद को हाइड्रेट रखना। हाइड्रेशन एक महत्वपूर्ण कारक है जो शारीरिक और मानसिक प्रदर्शन दोनों को प्रभावित करता है। रनिंग करने के बाद पर्याप्त पानी पीने से निर्जलीकरण होता है, जिससे रनिंग स्टेमिना में सुधार होता है। एक बात हमेशा याद रखें कि रनिंग करने से 30 मिनट पहले और रनिंग करने के 30 मिनट बाद ही पानी पिए, क्योंकि पानी पीने से आपका स्टेमिना बना रहेगा और आपकी थकान भी दूर होगी। इसलिए रनिंग स्टेमिना बढ़ाने के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है। टिप्स नंबर 9 है, सांस लेने की टेक्निक। दौड़ते समय सांस पर ध्यान केंद्रित करने से तनाव को कम करने और आपकी ऊर्जा को बढ़ावा देने और धीरज बढ़ाने में मदद मिल सकती है। कुछ लोग अपनी सांस को रोकते हैं, या तो जब दौड़ना मुश्किल हो जाता है तो वो अपनी सांस लेने की गति को बढ़ाना भूल जाते हैं। अधिक ऑक्सीजन से सांस लेना और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना आपकी मांसपेशियों को कड़ी मेहनत करने के लिए जरूरी है। अपनी नाक से धीरे धीरे सांस लें और गणना करें कि आप कितने कदम उठा रहे हैं। जब आप धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं तो ऐसा ही करें और सांस बनाए रखने की कोशिश करें। टिप्स नंबर 10, वेस्ट डाइट प्लान। तेज रनिंग करते समय आपके शरीर को और मांसपेशियों को ऊर्जा की कमी होती है, जिससे थकान या मांसपेशियों में खिंचाव होता है। कुछ ऐसे फूड हैं जो आपको तुरंत ऊर्जा देते हैं और आपके स्टेमिना को बढ़ाने में मदद करते हैं।
पहला है केले। केले कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन B6 का एक अच्छा स्रोत है। रनिंग करते समय ऊर्जा प्रदान करता है और साथ ही रक्तचाप स्तर को भी बनाए रखने में भी मदद करता है। दूसरा है सेब। सेब सरल शर्करा और कोवेसेटिन और कैटेचिन जैसे फाइटोकेमिकल्स का एक अच्छा स्रोत है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है। ये रनिंग करते समय स्थायी ऊर्जा स्तरों को सुनिश्चित करने के लिए धीमी और निरंतर ऊर्जा रिलीज में मदद करता है। और भी ऐसे फ्रूट हैं जैसे आप रनिंग स्टेमिना बढ़ाने के लिए जैसे खा सकते हैं, जैसे दलिया खा सकते हैं, दही और एवोकाडो, ये तत्काल ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं। अब मैं आपको वीडियो के एंड में कुछ ज़रूरी बातें बता देता हूं जिसे आपको भूलकर भी नहीं करना है। पहली गलती है, स्टेमिना बढ़ाने के लिए किसी भी केमिकल युक्त दवाई या खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें। दूसरा है, ज़्यादा नशीले पदार्थों का सेवन भूलकर भी ना करें, इससे स्टेमिना बढ़ता नहीं बल्कि ख़त्म होता है। और तीसरा है, हस्त मैथुन और गलत संगति से दूर रहें, यह हमारे शरीर को पूरी तरह से तोड़ के रख देता है। तो ये थी छोटी छोटी गलतियाँ जिसे आपको नहीं करना है। और स्टेमिना बढ़ाने के लिए जो मैंने आपको इस वीडियो में टिप्स बताई हूँ, उन्हें अच्छे से फॉलो करें और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें और अपने आप पर विश्वास रखें कि आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा और आपका आर्मी में सिलेक्शन भी होगा। मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता निश्चित ही मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे जितने भी भाई इंडियन लवर्स, वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक जरूर ठोकते हैं।